शनि अमावस्या 2022 शुभ मुहूर्त वैशाख अमावस्या 30 अप्रैल 2022 शनिवार को है। वैशाख अमावस्या 30 अप्रैल को देर रात 12:59 पर शुरू होकर 1 मई को देर रात 1:59 पर समाप्त होगी। इसलिए 30 अप्रैल को शाम को शनिदेव की पूजा अर्चना की जाएगी। शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को सिंदूर का चोला चाहें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको शनि पीड़ा से राहत मिलेगी। 5. शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिश्चरी अमावस्या पर काली उड़द, लोहा, काला या नीला कपड़ा, काला तिल, शनि चालीसा, स्टील के बर्तन आदि का दान करें। शनिश्चरी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में दूध और जल चढ़ाकर पूजा करना बहुत फलदायक माना जाता है। साथ ही 5 पीपल के पत्तों पर 5 तरह की मिठाइयाँ रखें और फिर घी के दीपक से आरती करें। तत्पश्चात पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से कुंडली में शनि ग्रह को मजबूती मिलती है। काला तिल, मान्यता है कि शनि देव को काला तिल अति प्रिय होता है। शनि देव की उपासना, पूजा अर्चना और आराधना करने वाले श्रद्धालुओं को उन्हें काला तिल जरूर समर्पित करना चाहिए। काले तिल का दान आपके जीवन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे करें, शनिदेव को प्रसन्न। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शनि अमावस्या पर पीपल की जड़ में कच्चा दूध मिश्रित मीठा जल चढ़ाने व तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। शनि की साढ़े साथी या धैया के चलते पीपल के पेड़ की पूजा करना और उसकी परिक्रमा करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनि अमावस्या के दिन लोहे की चीजों के अलावा जूते, झाड़ू आदि चीजों को खरीद कर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे जातक की कुंडली में शनि दोष बढ़ जाता है। शनि अमावस्या के दिन आपके द्वार जो भी व्यक्ति मांगने आए उसे कुछ न कुछ अवश्य दान देना चाहिए। ऐसा न करने पर शनिदेव कुपित हो जाते हैं। इस दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल बनी रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। शनिश्चरी अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन शनिदेव के साथ साथ पितरों की भी पूजा अर्चना की जाती है।